हेलो नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग HRMS मॉड्यूल की सहायता से जो हमें पास क्लर्क के द्वारा या PIA के द्वारा जो हमें पास इश्यू होता है उसमें OTP जनरेट करना और उस OTP की माध्यम से IRCTC के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। क्रोम ब्राउजर में जाने के उपरांत यहाँ लिखेंगे HRMS। HRMS लिखने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ अपना पर जो है HRMS यूजर नेम डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड बनाया है ये डालना है। और इसका लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के उपरांत जो है आपको 5 डिजिट का एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, जिसकी वैलिडिटी जो है 1 हफ्ते तक रहती है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि OTP नहीं आती है तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि हमारे मोबाइल पे जो OTP आया है उसको मैं इंटर करता हूँ। वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP के बाद जो देखिए यहाँ पे पास V2 में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है और माई इशू पासिस पे जाना है। माई इशू पासिस पे जाने के बाद इसको क्लिक करना है क्लिक करने के उपरांत जो है यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ पास पे क्लिक करना है। प्रिविलेज पास है कि PTO पे करना चाहते हैं तो जो भी है हमने प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पे किया है यहाँ पे और यहाँ गो कर दिया। देखिए जो अब तक हमको पास PTO जो इशू है ये है, इसके नंबर इधर है UPN यूनिक पास नंबर और ये जो है आपका सेंड OTP SMS, यहाँ से आपको OTP जनरेट करना है। जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उस पर आपको OTP, जैसे मैंने मान लीजिए कि सपोज करें कि इस पर मैंने जनरेट OTP कर दिया और इसमें आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है इस पर एक OTP आएगा। इस OTP को आपको देख लेना है और इसको अपने पास जो है लिख लेना है। लिखने के बाद जो है आपको अब जाना है IRCTC की वेबसाइट पे। हमने यहाँ से लॉग आउट कर दिया है, यहाँ का काम हो गया समाप्त। अब हमें जाना है IRCTC के वेबसाइट पे और वहाँ से इस UPN और OTP की माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे IRCTC हम सर्च करेंगे IRCTC। IRCTC सर्च करने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओके पे हमने क्लिक कर दिया और सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड यूजर हैं तो लॉगिन में जाना है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर अगर नहीं किए हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। जैसा कि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है तो हम कहाँ पे जाएंगे, लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद जो है यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पे और इसका जो है पासवर्ड डालना है जो आपने IRCTC के लिए पासवर्ड बना रखा है। और इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद स्मॉल क्यू कैपिटल F 7 ZB
ZB और साइन इन कर देना है। अब देखिए यहां पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि मेरा साइन इन हो चुका है, ठीक ना। जब इसे रजिस्टर हम कर लेंगे तो फिर अगेन इस अकाउंट से हम लॉग आउट कर जाएंगे, लेकिन अभी हमें लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे फ्रॉम टू कहां से कहां तक, तो हमने डाल दिया NDLS नई दिल्ली, जो आपका पास कहां से कहां तक है, यहां हमने डाल दिया GKP गोरखपुर। किस तारीख को, यहां से तारीख हम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर, यहां से मंथ हम चेंज करते जाएंगे, मान लीजिए हमें दिसंबर में चाहिए 8 दिसंबर का, ठीक। यहां क्लास को जनरल ही रहने देंगे। यहां देखिए चार ऑप्शंस दिया हुआ है, यहां पे देखिए लास्ट में लिखा रेलवे पास कंसेशन, रेलवे पास कंसेशन पे हम क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां सर्च करेंगे, देखिए उस डेट में जो ट्रेनें हैं नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए यहां शो होने लगी। अब जिस ट्रेन में और जिस क्लास के हम इंटाइटलमेंट हैं उस क्लास में उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम गोरखधाम स्पेशल में AC3 टायर के लिए इंटाइटलमेंट हैं, तो इसमें हमने AC3 टायर पे क्लिक कर दिया। देखिए सीट जो है 39 वैकेंट है इस डेट में, हमने बुक नाउ कर दिया, फिर कर दिया एग्री, मैं इससे सहमत हूँ। आगे जो देखिए, अब यहाँ पे आपको पूरा अपना डिटेल डालना है, जैसा कि पास में नाम है, मैक्सिमम जो है 16 डिजिट यहाँ पे आपके नेम का लेटर का लेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपका नाम लंबा है तो आपको अपने पास में देख लेना है कि आपके पास में पास को डाउनलोड कर लेना है HRMS की साइट से और देख लेना है मेरा नाम का लेटर कहाँ तक आ रहा है, वहीं तक आपको अपना नाम इंटर करना है। तो जैसे मेरा नाम है, मैंने डाल दिया और एज यहां पे हमने डाल दिया और जेंडर हमने डाल दिया। देखिए कंसेशन, अब यहां पे जाना है आपको कंसेशन पे, कंसेशन पे आपको एक दे रहा पास बुकिंग, एक दे रहा जनरल बुकिंग, आपको जाना है पास बुकिंग पे। पास बुकिंग पे पास नंबर डालना है, जिस पास नंबर पे आपने OTP जनरेट किया था आपके मोबाइल में SMS आ जाएगा और उस SMS की सहायता से आप उस पास नंबर को डालेंगे। पास नंबर है आपका 9366 9366 69। इसके बाद जो है पास बुकिंग कोड में आप डालेंगे 4 डिजिट का पास बुकिंग कोड, एक बार हम देख लेते हैं पास बुकिंग कोड क्या है, PC7C जो भी है, तो कैपिटल में PC 4 डिजिट का हमने यह पास कोड डाल दिया। डालने के बाद जो है आपको अगर ऐड पैसेंजर करना है, मान लीजिए आपने वाइफ का वेरिएशन करना है, बच्चों का भी करना है, तो यहाँ पे ऐड कर करके आप करते जाएंगे। और कंसेशन वाले में यही पास नंबर यही कोड आपको डालना है प्रत्येक में। इसके बाद लास्ट में आपको डाल देना है अपना मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डाल देना है। और यहाँ पे पिन डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ पे पिन डालते ही आपका प्रदेश और सिटी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट ऑफिस पे हमने क्लिक कर दिया। अब आ जाएंगे हम लास्ट में नीचे,
करा कंटिन्यू, इतने करने के बाद जो हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। देखिए यहां पे जो है पैसेंजर इसको हटा देते हैं और यहां पे हम कर देते हैं कंटिन्यू। देखिए करा फेल, पास इज एक्सपायर ऑन 30/9/2021। अभी हमारा ये जो पास है जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था एक्सपायर हो चुका है, अतः इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। जिसपे हमने ओटीपी अभी लिया था वो एक्सपायर 30/9 को हो जाएगा, जबकि हम दिसंबर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अतः यहाँ पे फेलियर आ गया। तो इसी प्रकार जो है आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद जो है आपका पूरा डिटेल आ जाएगा और डिटेल आने के बाद जो है पुनः आपको एक कैप्चा इंटर करना रहता है लास्ट में, और वो कैप्चा इंटर करके कंफर्म कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपका जो टिकट है वो आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है, और उस ईमेल आईडी की सहायता से क्या करते हैं कि अपने टिकट को अपने मोबाइल पे ओपन करते हैं ईमेल पे, और साइड में जो तीन डॉटेड लाइन है उस पर हम क्लिक करते हैं तो उस पर आएगा प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट पे जाके फिर उसको सेव एज पीडीएफ कर लेते हैं। पीडीएफ में सेव करके अपने ड्राइव में या जहां भी आप सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेल पे रखेंगे, बाय द वे सपोज करें कि आपके ट्रेन में जब यात्रा कर रहे हैं उस समय नेटवर्क नहीं है तो ऐसे में आपको ट्रबल आ सकती है। टीटी जब टिकट मांगेगा तो उसको आप दिखा नहीं पाएंगे। तो अब आज के वीडियो में इतना ही, सबको नमस्कार।